शट अप। दोस्तों, भूत प्रेत पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाल वाला बटन दबाएं, फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं। कहानी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। रमेश पैसे से मोची था। गांव में उसे सब जानते थे। गांव में घूम घूम कर जूते चप्पल की मरम्मत किया करता था। एक दिन रात काफी हो चुकी थी। उसे घर जाने की बहुत जल्दी थी, पर बारिश काफी जोरों से हो रही थी। एक घर के पास रमेश रुक गया। इंतजार कर रहा था कि बारिश रुक जाए तो मैं घर जाऊं। तभी पीछे से दरवाजे किसी की दस्तक हुई। दरवाजे की आवाज सुनकर रमेश पीछे मुड़कर देखता है, एक खूबसूरत औरत दरवाजे पर खड़ी है। रमेश ने सोचा शायद इस घर की मालकिन होगी। पीछे से आवाज आती है, बारिश बहुत हो रही है, घर में आ जाइए। रमेश सकपकाकर सोचता है, जान नहीं पहचान नहीं, मैं कैसे पीछे चला जाऊं उनके घर। उस औरत ने फिर आवाज लगाई, चिंता ना करें मेरे बच्चे, आपके यहाँ जूते चप्पल सिलवाते हैं, आप बेफिक्र होकर अंदर आ जाइए। अब रमेश थोड़ा सा नॉर्मल हुआ और उसके पीछे घर में चला गया। रमेश की काफी खातिरदारी हुई, जैसे कोई मेहमान घर में आया हो। रमेश काफी खुश हुआ, बातें काफी चल रही थी, समय का पता ही नहीं चला। रमेश ने देखा रात काफी हो चुकी है, घड़ी की तरफ 12 के करीब समय हो रहा है। अब घर जाने में उसे बहुत डर लगने लगा। औरत उसकी बात समझ गई और उसने इशारे में कहा, आप यहीं रह जाइए, यहीं सो जाइए, सुबह चले जाइएगा। रमेश ने भी यही सही समझा। वो एक चारपाई पे, खाटले पे सोने के लिए चला गया। कुछ देर बाद रमेश को एहसास हुआ कि उसके साथ कोई और सो रही है। रमेश पलटना चाहता था पर वह हिल नहीं पा रहा था। फिर रमेश को एहसास हुआ कि उसके ऊपर कोई चढ़ा हुआ है। रमेश काफी अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रहा था, पर वह अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा था। काफी देर ऐसी हालत में रहने के बाद रमेश को एहसास हुआ कि उसका शरीर अब थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है। रमेश अपने शरीर को अब हिला पा रहा था, पर उसे फिर भी एहसास हो रहा था, उसकी आंखें बंद थी, उसे एहसास हो रहा है कि उसके ऊपर कोई अभी भी बैठा हुआ है। अब उस औरत की आवाज रमेश के कानों में पड़ी कि तुम अब मेरे साथ ही रहो, यहीं रहो, दुनिया की हर चीज तुम्हारे कदमों में होगी, तुम जो चाहोगे वही तुम्हें मिलेगा, तुम मेरे बनके रहो, मेरे साथ रहो। रमेश काफी कुछ कहना चाहता था पर वह कह नहीं पा रहा था, उसकी आवाज निकल नहीं रही थी उसके मुंह से। उस औरत ने कहा, तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर दूंगी, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। रमेश मरता क्या ना करता उसने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। फिर दोनों वहीं सो गए। सुबह रमेश की आंखें खुली, उसने देखा काफी भीड़ लगी हुई है आंगन में, बहुत सारे लोग चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे लोग रो रहे हैं। उसने देखा उसमें उसकी एक पत्नी भी रो रही है दहाड़े मारकर, उसके बच्चे भी रो रहे हैं। वह चाहता अपनी पत्नी को सीने से लगा लूं, पर ऐसा हो नहीं पाया। उसने देखा चारपाई पर उसका जिस्म बेजान पड़ा हुआ है और उसके साथ वही चुड़ैल खड़ी है। रमेश समझ गया कि अब वह इस दुनिया में नहीं रहा, उसका शरीर उसका साथ छोड़ चुका है और वह इसी चुड़ैल के साथ जीवन गुजारेगा और उसके साथ ही उसे रहना होगा। कहानी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो को पसंद करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए वीडियो को, ताकि मेरी कहानी और लोग सुन सके और कहानी का मजा लीजिए।